हेलो नमस्कार दोस्तों, जोधपुर से आसाराम को लेकर बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। आसाराम ने जोधपुर जेल से बाहर आने के लिए रचा षड्यंत्र। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों जानकारी के मुताबिक जोधपुर जेल में आज आसाराम को 8 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान आसाराम ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया है। 15 से ज्यादा जमानत याचिका लगाई, कई बार बीमारी का बहाना लगाया, लेकिन हर बार कोर्ट के सामने उसकी दलीलें टिक नहीं पाई। यही कारण है कि वह अभी तक जेल में है। दोस्तों बता दें कि आसाराम ने जमानत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। देश में नामचीन वकीलों को अपने पक्ष में खड़ा किया, हर बार वह नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को उसकी आंतरिक जमानत याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, वी सुब्रमण्यम और बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा है कि उसे जिस अपराध में दोषी ठहराया गया है वह कोई सामान्य अपराध नहीं है। बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि आसाराम का सभी तरह का आयुर्वेदिक इलाज जेल में ही कराया जाएगा। दोस्तों बता दें कि क्यों नहीं मिल पा रही है जमानत आसाराम को। आसाराम केस में पीड़िता के वकील रहे जोधपुर के पीसी सोलंकी ने कहा है कि वह हर बार नई बीमारी के नाम पर जमानत हासिल करने का प्रयास करता है। सबसे पहले उसने कहा है कि त्रिनाड़ी सूल में बीमारी है, दिल्ली एम्स में जांच की तो ऐसा कोई बीमारी नहीं मिली। इसके बाद उसने वापस इस बीमारी का नाम नहीं लिया है, थोड़ी दिन बाद बुढ़ापे का हवाला दिया। यह दलील भी खारिज होने पर उसने वापस इसका नाम नहीं लिया। फिर कमर दर्द का कोई भी आयुर्वेदिक इलाज कराने का बहाना बनाता रहा। देश में सबसे बड़ा अस्पताल एम्स और उसका मेडिकल बोर्ड आसाराम को स्वस्थ करार दे चुका है। ऐसे में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट प्रत्येक बिंदु को गहराई से जांच करता है। नए बहाने घटने से जमानत नहीं मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आसाराम जोधपुर से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।